आगरा पुलिस अपराधियों दबंगों माफियाओं से सख्ती से पेश आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं, ऐसे लोग जो कहा जाए गिरोह बनाकर पूरी तरह से अपराध में संलिप्त रहते हैं उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाए, उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए। इसी क्रम में एक आरिफ नाम का जो कहा जाए जो अपराधी है जिसके खिलाफ 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और आज उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि आगरा की जो मंटोला इलाके में जो मुस्लिम बाहुल्य बस्ती में उसका ये घर है और ऐसे में उसके 2 बड़े आवासीय जो कहा जाए मकान है, इसके साथ ही और 4 प्लॉट उसके बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही और भी उसकी बड़े स्तर पर उसकी संपत्ति पाई गई है। गुंडा एक्ट से लेकर तमाम कहा जाए बड़े एक्ट में उसको तरमीम किया है पुलिस ने और लगातार वो कहा जाए जुए और सट्टे की जैसे अपराधों में संलिप्त था और ऐसे में आज उसकी करीब 4.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं मजिस्ट्रेट हैं वो इस समय यहां पहुंचे हुए हैं, इस लीगल कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, मुनादी कराई जा रही है और ढोल नगाड़े भी बजा कर यहाँ इस पूरी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। आरिफ बहुत ही कुख्यात किस्म का जो अपराधी है, लगातार वो कई बार जेल जा चुका है उसके बावजूद वो इस तरीके के 2 नंबर के जो तमाम जो अवैध धंधे हैं उसको अंजाम दे रहा था और उसी अपराधों के ज़रिए ही उसने इतने बड़ी संपत्ति कहा जाए खड़ी की हुई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो आप देख रहे हैं ये सामान है इस घर में, इसने कई लोगों को यहाँ पनाह दे रखी थी तो वो लोग अपना सामान लेकर यहाँ से जा रहे हैं। पूरी तरह से इस बिल्डिंग को खाली करवाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पर गिरोहबंद अधिनियम के तहत यानी गैंगस्टर एक्ट के तहत इस पर ये कार्रवाई की गई है। तो समझा जा सकता है कि अब ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं समाज में रहकर संगठित अपराध को अंजाम दे रहे हैं और उनको लगता है कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उनके लिए ये बड़ा सबक है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।